तो अढ़ाई का अड्डा में आज सबसे पहले बात इसी बात की कि आग पर तो फिर भी काबू पा लिया गया, पर जो सियासत बेकाबू हो गई ये किस दमकल से बुझाई जाती है। सतपुड़ा भवन में लगी आग पर घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन इससे पहले आग पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। बारह घंटे से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सबने राहत की सांस ली है। आग में करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। बताया जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा फाइलें जलकर राख हो गई। इस घटना के कारणों का पता लगाने में सरकार लगातार जुटी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू बैठक की, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारी शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है और कहा कि कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि डिजिटल जमाना है, आग में जली फाइलों को रिक्रिएट कर लिया जाएगा। कई कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे। यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र परिवर्तित योजनाएं भी रहती हैं, उन केंद्र परिवर्तित योजनाओं दिल्ली तक इसका डाटा रहता है। सतपुड़ा भवन में आग पर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, घटना को साजिश बता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आग लगी या लगाई ये बड़ा प्रश्न है। कमलनाथ इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं और मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उस पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस इस घटना में भी अवसर तलाश रही है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं, उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस जो है ना, सहायता में तो कहीं नहीं हो, इसमें भी अवसर तलाश है। 4,000 कर्मचारी अंदर है, अब इसमें कैसे आग लग जाएगी, कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा, ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहाँ पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं था, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। ये निंदा के काबिल आरोप है। कोई ना तो वहाँ परचेजिंग की फाइलें रहती है, ना टेंडर की फाइलें रहती है। इस सियासत के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि इस घटना ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक भवन में लगे आग की खबर आग की तरह भोपाल से दिल्ली तक पहुंची। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड, प्रशासन के पसीने छूटने लगे तो सीएम शिवराज ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तक से मदद मांगी। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फायर ब्रिगेड, SDRF से लेकर आर्मी तक ने मोर्चा संभाला। आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान हजारों फाइलें जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट भी बताई जा रही है। इस घटना पर सतपुड़ा भवन के कर्मचारियों का बड़ा बयान भी आया। उनके मुताबिक बिल्डिंग में आग को रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगी है आग तो कहीं, लेकिन जो थर्ड फ्लोर पर जैसे ही लगी उसके बाद उसको कंट्रोल नहीं हो पाई तो 4 और 5, 6 पर चली गई। आप मौजूद थे जब आग लगी थी कल? हाँ मौजूद थे। हम लोग थर्ड फ्लोर पर धुआं निकल रहा था, थोड़ी सी आग लगी, इसके बाद कुछ फायर ब्रिगेड भी आई लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुई, इस कारण चौथी पांचवीं पर चली। कुछ थे नहीं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह आग बुझाने के लिए कुछ साथ? अब इसकी तो जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उतने नहीं थे पर्याप्त जितने होना चाहिए था कि कंट्रोल हो जाती। सतपुड़ा भवन में कई सरकारी दफ्तर हैं जिसमें 1,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग में आग लगना और फिर उस पर काबू पाने में घंटों की जद्दोजहद बिल्डिंग की फायर सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रहा है।
सरकार की जांच के बाद इस घटना से जुड़े तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले आग पर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिजाब, कलावा, धर्मांतरण, प्रताड़ना, मस्जिद का गुप्त द्वार, तफ्तीश में संगीन कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब जब गंगा जमुना ग्रुप का काला चिट्ठा खुला तो प्रशासन की टीम भी हैरान रह गई। वैसे भी प्रशासन की टीम हैरान रहने की जो अदाकारी करती है उसका तो कोई सानी ही नहीं। दमोह में गंगा जमुना ग्रुप का कच्चा चिट्ठा लगातार खुल रहा है। प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद बीते चार दिनों से चल रही अलग अलग जांचों में बड़े खुलासे हो रहे हैं। गंगा जमुना ग्रुप के 8 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की दमोह, जबलपुर और सागर की टीमों की कार्रवाई में लाखों की टैक्स चोरी का पता चला है। स्टेट जीएसटी के अधिकारियों के मुताबिक ग्रुप की 78 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी पकड़ी गई है। ग्रुप ने तेंदुपत्ता यानी बीड़ी उद्योग में बड़ी टैक्स चोरी की है। जीएसटी की टीम कार्रवाई में जुटी है और अनुमान है कि टैक्स चोरी की रकम और बढ़ेगी। गंगा जमुना ग्रुप के काले कारनामों के और खुलासे होंगे। ग्रुप की 9 फर्मों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 8 फर्म एक्टिव हैं, एक फर्म में कोई काम नहीं हो रहा वर्तमान समय में, और इसमें जांच कार्रवाई 4 दिन चली है। और जांच कार्रवाई के दौरान जो अभी तथ्य सामने आए हैं उस पर लगभग 78,68,965 रुपये जमा कराया गया है। ये प्राथमिक रूप से है, ऐसा मतलब ही कार्रवाई जारी रहेगी। हिजाब विवाद के बाद गंगा जमुना स्कूल और इससे जुड़े ग्रुप पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जीएसटी की कार्रवाई के साथ ही अतिक्रमण कर बनाई गई स्कूल की नई बिल्डिंग पर भी एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, हालांकि इस दौरान स्कूल प्रबंधक टीम के सामने पहुंचे और अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा, जिसके बाद टीम वापस लौट गई। गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाए जाने, धर्मांतरण कलावा पहनने पर बच्चों की पिटाई जैसे कई मामले सामने आए हैं। पुलिस ने इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन अब गंगा जमुना ग्रुप से जुड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। दमोह से न्यूज 18 के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं राजगढ़, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजगढ़ से सीधी तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। डिफाल्टर किसानों का ऋण माफ किया जाना है। किसान कल्याण योजना के तहत 1400 करोड़ का ये तोहफा दिया जाना है। फसल बीमा के 29 करोड़ किसानों को दिए जाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें राजगढ़ से। नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो बुड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन की दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुभारंभ करें किसान कल्याण महाकुंभ का निवेदन। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से की दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते।
सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर किसान कल्याण महाकुंभ का शुभारंभ करते हुए जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन कि वे कृपया अपना स्थान लें। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारी भारतीय परंपरा है, हमारे संस्कार है कि सबसे पहले कार्यक्रम में अतिथियों का आदर और सम्मान करना, निवेदन करना चाहेंगे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक विशेष स्वागत एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत राजगढ़ से बने जिला उत्पादों को भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे। साथ में निवेदन, हमारे मुख्यमंत्री जी पारंपरिक पगड़ी भेंट कर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए निवेदन हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। तो लगातार इस बड़े आयोजन पर नजर बनी हुई है, लेकिन अब थोड़ा बचपन की सैर। बचपन में हम सभी को अच्छी हैंडराइटिंग के लिए न केवल बार बार टोका जाता था, मार तक खानी पड़ती थी, इससे उलट लंबी चौड़ी पढ़ाई करके डॉक्टरी जैसे सम्मानजनक पेशे को अपनाने वालों की लिखावट हमेशा से एक मुहावरे जैसी, आप लिखे खुदा बांचे। हालांकि साफ साफ लिखने को लेकर डॉक्टर्स के लिए भी नियम बनाए गए, लेकिन इनका पालन होता नजर नहीं आता। शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक हमें डॉक्टर की याद भले ही न आती हो, लेकिन बीमार होते ही सबसे पहले याद आता है डॉक्टर। हमारे समाज में डॉक्टरी के पेशे को सिर्फ एक पेशे के तौर पर नहीं बल्कि सम्मान के तौर पर भी देखा जाता है। हम उसे धरती का भगवान कहते हैं। लेकिन आज से नहीं बल्कि लंबे वक्त से एक दूसरा सच ये भी है कि डॉक्टर्स उनकी हैंडराइटिंग के लिए बदनाम है। हमेशा से कहा जाता रहा है कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग यानी कि उनकी लिखावट कभी साफ नहीं होती। डॉक्टर का पर्चा या तो डॉक्टर पढ़ सकता है या फिर मेडिकल संचालक समझ सकता है। इसी घसीटा हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए सरकार साफ आदेश जारी भी कर चुकी है, लेकिन आदत तो आदत है, कमबख्त सुधरने का नाम नहीं लेती। और कई बार मरीजों के साथ साथ मेडिकल वालों के लिए भी पर्चा पढ़ना न केवल मुश्किल बन जाता है बल्कि गलत दवा देने की संभावना बढ़ जाती है। लिखावट तो इन लोगों को समझ में नहीं आता क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं ही लिख दिखाया था डॉक्टर से, ऐसा लिख दिए कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या दिए हैं नहीं दिए हैं, क्या दवाई चलाए हैं, क्या चेकअप करवाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जरूरी है हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए इन लोग का, ताकि मरीज के भी समझ में आना चाहिए क्या लिखे हैं नहीं लिखे। सर की हैंडराइटिंग तो समझ से बाहर रहता है, और दूसरा ये है कि मरीज लोग तरह तरह के मरीज हैं, सभी को अपना अपना समस्या रहता है। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको खुद क्या इलाज चल रहा है क्या दवा चल रहा है खुद से खरीद सकते हैं कि नहीं, किसी नए मेडिकल शॉप में जाते हैं तो मेडिकल शॉप वाला भी समझ नहीं पाता है राइटिंग, और मरीज को तो परेशानी होती ही है। उस मेडिकल में अगर आप जाओगे पर्ची लेके तो बोलेंगे क्या लिखा हुआ है ये पहले आप कंफर्म करके आ जाओ, उसके बाद अपन दिखते हैं क्या है। गंभीर होना चाहिए कि ऐसा लिखें कि मेडिकल भी समझे और जो पेशेंट हैं वो भी समझें। पढ़े लिखे आदमी के लिए डॉक्टर का पर्चा काला अक्षर भैंस बराबर तो होता ही है, लेकिन साथ ही दवा दुकानदार भी कई बार घसीटा लिखावट में क्या दवा लिखी गई है इसका आकलन मरीज से उसकी बीमारी के बारे में पूछ कर लगाते हैं। बहुत दिक्कत है मैडम, कई बार तो एक एक वर्ड चेंज में दवाइयों के मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि डॉक्टर से तुरंत बात कर लें, और कई बार तो डॉक्टर खुद नहीं समझ पाते कि इस पेशेंट को हमने क्या लिखा है, आप प्रिस्क्रिप्शन भेजिए मैं फिर से लिखता हूँ, ऐसी सब बातें होती हैं। कभी तो इतना मतलब हेजी टाइप की राइटिंग में लिखते हैं कि हमें कस्टमर से पूछना पड़ता है कि सर आप क्या पर्पज़ के लिए उनके पास गए थे करके,
ताकि हम उसको रिलेट कर पाएँ, कुछ पावर को देख करके समझ पाएँ कि हाँ ये दवाई ये पावर की आती है, तो हम उसको रिलेट करके समझ पाएँ। बहुत बार आजकल मोनोपोली का बिजनेस हो गया, तो डॉक्टर्स अपनी मोनोपोली मेडिसिन लिख देते हैं, तो वो तो बिल्कुल समझ नहीं आती, इंटरनेट में भी आपको उसका फॉर्मूला नहीं दिखेगा। तो अल्टीमेटली कस्टमर को परेशान होकर डॉक्टर की जो फार्मेसी है वहीं जा करके उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। वहीं इस मामले में डॉक्टर्स कहते हैं कि स्पष्ट लिखावट जरूरी है। शासन द्वारा जारी आदेश का उद्देश्य यही है कि आम मरीजों के साथ साथ फार्मासिस्ट भी दवा का नाम समझ सकें, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी आदत ज्यों की त्यों बनी है। सुस्पष्ट राइटिंग में या जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाए, लेजिबल हो और कैपिटल लेटर्स में हो, ऐसे दवाइयों के नाम लिखे जाएं ताकि गलत दवाइयां ना दी जा सकें धोखे से। इसके लिए भी आवश्यक माना गया है कि दवा दुकान वाले जो हैं उन लोग के पास भी सुशिक्षित या प्रशिक्षित फार्मासिस्ट होंगे, ताकि उन लोग भी दवाइयों देने में कोई गलती ना कर सकें। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने प्रिस्क्रिप्शन को प्रिंटर से निकाल के दें या बहुत धैर्य से कैपिटल लेटर्स में लिखें, तो मरीजों को और मेडिकल स्टोर्स को परेशानी से बचाया जा सकता है। सामान्यतः मेडिकल काउंसिल और राज्य सरकार के इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि ऐसा लिखा जाए जो मरीज को और मेडिकल स्टोर्स को बहुत अच्छे से समझ में आए, लेकिन बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई आदत बुरी है तो उसे बदल लेना चाहिए, लेकिन हैरानी तो ये है कि सरकार का आदेश होने के बावजूद घसीटा लिखावट में बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। रायपुर से न्यूज 18 के लिए तनु वर्मा की रिपोर्ट। तो डॉक्टर्स की घसीटा हैंडराइटिंग का मामला सामान्य नहीं है, यह बहुत गंभीर और चिंता का विषय है, क्योंकि डॉक्टर हमारे समाज का न केवल एक जरूरी हिस्सा है बल्कि हर एक के स्वास्थ्य से उनका सीधा जुड़ाव है। ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए कि कब और क्या आदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर दिए गए हैं, इस आदेश के पीछे वजह क्या थी। अमूमन डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन, जिसे आम भाषा में पर्चा कहते हैं, वो अस्पष्ट होने के कारण पढ़ने में नहीं आता, आम लोगों के तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जिसमें दवा दुकानदार साफ लिखाई न होने के चलते लिखी गई दवा के स्थान पर दूसरी दवा तक दे देते हैं, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से मरीज पर विपरीत होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में ये जानकारी दी गई थी कि साल 2012 तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डॉक्टर की खराब लिखावट से जुड़ी कोई शिकायत नहीं मिली। वहीं नालकोंडा तेलंगाना के एक फार्मासिस्ट ने एपी हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की, जिसमें डॉक्टर का पर्चा कैपिटल लेटर में लिखने की मांग की। इसके बाद हाई कोर्ट ने एमसीआई के पास लिखावट का मामला भेज दिया, लेकिन लंबे वक्त तक इस पर कुछ न होने के कारण फार्मासिस्ट ने फिर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई, जिसमें बताया गया कि एक अक्षर के अंतर से दवा और ड्रग में भारी अंतर आ सकता है, इससे मरीज की सेहत पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। इस याचिका में उदाहरण के लिए कई दवाओं के एक जैसे नाम का जिक्र भी किया गया। कोर्ट ने एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार की तरफ से मामले में नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, और इसके करीब दो साल बाद साल 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से इंडियन मेडिकल काउंसिल के प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 में बदलाव किया गया, जिसमें ये साफ किया गया कि सभी चिकित्सक अपने पर्चे में दवाओं के नाम न केवल कैपिटल लेटर में लिखें, बल्कि साथ ही दवा का जेनेरिक नाम पर्चे में दर्ज हो। इस नियम का उल्लंघन होने पर एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास जाया जा सकता है, जो कि मामले की जांच करने के साथ ही उस मामले में कार्रवाई करने के लिए भी समर्थ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।